वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था हमारा पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में सीए के एनपीआर इसके खिलाफ में जो हमारा आज एक्सेप्ट हो चुका है और इसकी हमको आने वाली 22 तारीख को हियरिंग की डेट मिली है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है एजाज मकबूल साहब और उनकी जो टीम है और भी इनके साथ 6-7 एडवोकेट्स है जो इस केस को आगे लड़ेंगे और इस केस के अंदर हमारे माइनॉरिटी फ्रंट के तरफ से औरंगाबाद की जो जनता ने सिग्नेचर मुहिम की और सारे लोगों ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर इसमें काम किया और इस चीज़ को कामयाब बनाया और हमने आज इस पीआईएल का आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 51 सी एंड 51 ए इसको चैलेंज किया है। क्यों? तो ये सारा इन आर्टिकल्स का कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस है वो एक सेक्युलरिज्म है और कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक एक्ट सेक्युलरिज्म की स्ट्रेंथ पे खड़ा हुआ है और आज सीए एनपीआर और ये एनआरसी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ये सेक्युलरिज्म को क्रश करते हुए हो रही है और इसमें इक्वालिटी को ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए ये पिटीशन का फाइल करने की ज़रूरत पड़ी है जो गवर्नमेंट के समझ में नहीं आता है कि इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रख कर ये एक्ट पास हुआ है पर उम्मीद है कि ये खड़ा नहीं रह सकता है। क्यों? तो ये खोखला है और कमज़ोर है और ये सेकुलर नहीं है, ये क्रिमिनल है और इसके अंदर इन्होंने सिर्फ ये बताया कि मुस्लिम्स, ये जो वर्ड यूज़ किया है ये अगेन यहाँ पे ये बहुत बड़ी झूठ है। इन्होंने इसके अंदर जूश को बाहर रखा है, जूस बाहर है, तुम्हारे तमिलियन हिंदूज बाहर है, तिबेटियन बुद्धिस्ट बाहर है, रोहिंग्या मुस्लिम्स बाहर है, पाकिस्तान के तुम्हारे अहमदी और दूसरे शियाज बाहर है और ये पूरे नेबरिंग कंट्रीज़ के पास से आपको इक्वालिटी का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। क्यों? तो रिफ्यूज में जब आदमी आता है जब जान के लाले पड़ते हैं और ये एज़ पर इंटरनेशनल जो लॉ है रिफ्यूजीज़ का उसके अंदर जो भी रिफ्यूजी आपके देश में आता है उसको आपको शरण देने का है, वो है आपको उसको अपने घर वापस लौटाने का नहीं है और आप इसको नहीं भेज सकते और ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ है। और दूसरी बात, जो पेरेंट्स यहाँ पे आ गए, इस हमारे पीआईएल की खासियत ये है, इसके अंदर हमने उन बच्चों के लिए खास तौर से कोर्ट से वो मांगा है कि जो बच्चे सपोज 87 के बाद में पैदा हुए या 2004 के जो इन्होंने बताया था कि इसके बाद हम सिटीजनशिप नहीं देंगे तो भाई वो बच्चों का क्या कसूर है, वो तो भाई बर्थ दे आर सिटीजन्स और ये हमारे एक्ट के अंदर 1990 का जो सिटीजनशिप एक्ट उसके अंदर ये चीज़ का हमको बेनिफिट है तो हम इसको हर एक चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकते और हमारे पास सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक मिरर की तरह है, उसके बावजूद गवर्नमेंट उसी पार्लियामेंट में ऐसे लॉस फ्रेम कर रही है जो कि ऑलरेडी जो फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में नए पुराने एक्ट्स है और जो ये इस चीज़ को मना करते हैं और इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये एक एक्ट जो था उसी के कॉन्ट्रडिक्शन में नया एक्ट पास करना ये कहाँ तक के सही है। और इस चीज़ को जब सरकार ये नहीं सुन रही है इतने मोर्चे निकालने के बावजूद, इसलिए ये लीगली हमने सोचा ये सही तरीका कोर्ट के दरवाजे पे जाए और वहाँ से न्याय मांगे तो अब पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको इस चीज़ का न्याय मिलेगा। ये उन गरीबों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बेचारे इनके जीने का रोज़ के खाने पीने का सवाल है उनके पास सिटीजनशिप और ये बाकी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स कहाँ से वो होंगे, तो ये सबके लिए वो करना है। इसकी सुनवाई है 22 जनवरी को, आने वाली 22 जनवरी को और सुप्रीम कोर्ट ने सारे जितने भी ऐसे केसेस थे वो साथ में क्लब करके इसको 22 जनवरी की डेट दी है और अभी हियरिंग 22 को होगी और उसके बाद उसका जो भी डेवलपमेंट्स रहेगा मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। थैंक यू वेरी मच।